हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं JM फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्टॉक पर मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने 75 रुपए के ऊपर इसको बाय करने के लिए कहा था और आप देख पा रहे हैं स्टॉक अभी 90 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बाकी अगर हम ट्रेंड फॉलो करें स्टॉक का तो आप खुद से देख रहे हैं स्टॉक का ट्रेंड अप है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार स्टॉक ऊपर चल रहा है। अब हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्टॉक का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट था फ्रेंड्स लगभग 85 रुपीज के आसपास। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें आगे तो आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 96 रुपीज पर। ठीक है, अगला रेजिस्टेंस 96 पर है और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 101, या फिर मैं कहूं जो कंफर्म वाला रेजिस्टेंस है, जो ज्यादा अहम लेवल स्टॉक के लिए मैं मायने रखने वाला है वो है 111 के आसपास। ठीक है, तो अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें बाय करना है, बाय कर सकते हैं लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर, क्योंकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो रीटेस्ट करने एक बार जरूर आएगा लगभग 85 रुपीज के आसपास। ठीक है, जैसे ही स्टॉक 85 रुपीज पर आएगा आपको एक बाय करने का मौका मिलेगा और 96 के टारगेट के लिए आप बाय कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 111 रुपए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।